और समय की बड़ी खबर बता दें आपको, हिजबुल के दो आतंकी गिरफ्तार हुए। दिल्ली से खबर, हिजबुल के दो आतंकियों को धर दबोचा है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर इस समय पुलिस अलर्ट पर है और इसी अलर्टनेस में दो आतंकियों को धर दबोचा है पुलिस ने। आतंकियों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। शोपिया पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की। 14 जिंदा कारतूस इन आतंकियों के पास से मिले हैं, हिजबुल के आतंकी बताए जा रहे हैं। दिल्ली में हिजबुल के दो आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बताया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस भी लगातार चौकस थी। छापे मारे जा रहे थे जगह जगह और इसी दौरान ये दो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, हिजबुल के आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मोहित शर्मा जुड़ गए हमारे सहयोगी। मोहित, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शोपिया पुलिस के साथ मिलकर एचएम के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी कश्मीरी पुलिसकर्मी से 2017 में पुलिसकर्मी से आतंकी बनने और इलाके में एचएम कमांडो के संपर्क में थे। आतंकी के नाम जो है बताए जा रहे हैं, ये नाबालिग बताए जा रहे हैं और स्पेशल सेल के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक AK-47 और 14 जिंदा कारतूस जो है मिले हैं। शुक्रिया, आपसे अपडेट लेंगे आगे भी इस खबर पर। हिजबुल के दो आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनके पास एक पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस जब्त।